चैनल फ्रेंड्स, आज हम आपको एक बहुत प्यारा सा कुरेशो का एक पाउच बताने वाले हैं। तो देखिए, पहले आपने फ्रेंड्स एक इस तरह से लेना है, हमने पहले एक मैजिक नोट्स बनानी है। अब हमने क्या करना है, देखिए इस तरह से हमने इसके अंदर चैन बुननी है, एक दो तीन, देखिए तीन चैन बुन लेंगे। और तीन चैन बुनने के बाद एक बल लेंगे, फिर से हमने इसके अंदर डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह। फिर देखिए इन दोनों को एक बार बुन लेंगे। और देखिए जब आप इसे खींचेंगे ना फ्रेंड्स, ये खींच रहा है ना, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक बनी है। फिर आपने एक चैन बुननी है, फिर देखिए डबल क्रोशे से एक दो, और फिर आपने इनको एक साथ बुनना है। फिर देखिए एक चैन बुनेंगे, फिर आपने देखिए एक, फिर एक बल लेंगे, फिर आपने इसको इस तरह से फिर इन तीनों को एक साथ बुन देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने आठ बनाने, तो हमारे तीन बन गए। देखिए एक दो तीन, फिर एक चैन बुनेंगे, फिर इसके अंदर हमने डबल क्रोशे से एक बार बुनना है, फिर एक बल लेना है। फ्रेंड्स ये चार हो गए हैं, इस तरह से हमने इसमें आठ बनाना है। तो एक डबल क्रोशे से एक बार बुनेंगे इस तरह से तीन, और फिर इन तीनों को फ्रेंड्स हमने एक साथ बुनना है। फ्रेंड्स देखिए, फिर बीच में एक चैन बुननी है, फिर आपने देखिए इस तरह से एक, फिर आपने एक बार और इस तरह से बुनेंगे। तो फिर अब आपने देखिए इन तीनों को एक साथ बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कितने हो गए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हो गए हैं। आठ के बाद आपने एक चैन बुननी है और आपने इसको यहाँ जॉइंट करना है। यहाँ से हम इसे जॉइंट कर देंगे। और फ्रेंड्स देखिए नीचे जो ये है आपका रिंग, यहाँ से आपने इसको टाइट करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से टाइट हो गया है। अब हम फ्रेंड्स इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। इस तरह से ये हमारा बीच का एक तैयार हो गया। देखिए इस तरह से हमने एक स्क्वायर बनाना है, पॉपकॉर्न का स्क्वायर बनाना है स्क्वायर। तो अब देखिए ये बीच वाला तैयार हो गया, अब हमने ये बनाना है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, जो आपने बीच बीच में देखिए एक चैन का गैप डाला था, इसके अंदर हमें बुनना है। तो आपने देखिए यहाँ से ले लीजिए, और अब आपने यहाँ से इसके अंदर इसको यहाँ से अटैच करना है, और तीन चैन बुननी है यहाँ से, एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे। और तीन चैन बुनने के बाद आपने क्या करना है, देखिए एक बल लेना है, दो बल लेने हैं, और इसके अंदर आपने ट्रिपल क्रोशे से इस तरह, फिर आपने देखिए ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। फिर देखिए इस तरह दो बल के साथ बुनेंगे इसके अंदर हम। तो देखिए एक, फिर इसके बाद ये दो, ये तीन, फिर देखिए दो बल लेंगे, फिर आपने देखिए एक दो तीन, फिर दो बल लेंगे, फिर ये देखिए एक दो तीन। तो हमने पांच बार बुनना है, तो दो दो चार और एक पांच हो गया फ्रेंड्स। तो फिर इसे इस तरह छोड़ देंगे, और आपने देखिए यहाँ से आपने इसको इस तरह से, देखिए इस तरह से आपने इसको इस तरह से पॉपकॉर्न सा बना देना है। फिर आपने तीन चैन बुननी, एक दो तीन, फिर एक और दो, दो बन लेंगे। और देखिए यहाँ यहाँ आपने फिर से ट्रिपल क्रोशे से फाइव टाइम बुनना है, एक दो तीन, फिर इस तरह से एक दो और ये तीन, फिर देखिए एक दो तीन, फिर ये देखिए एक दो तीन। तो ये देखिए चार बार हो गए। फिर से आपने फ्रेंड, मैंने ट्रिपल क्रोशे से एक दो तीन चार पांच बार बुन लिया है। और अब देखिए यहाँ से अब हम इसको यहाँ से इस तरह से देखिए जॉइंट करेंगे इस तरह से। फिर आपने देखिए तीन चैन बुननी, एक दो तीन, फिर एक और दो, दो बल लेंगे। फिर हमने इसके अंदर ट्रिपल क्रोशे से फाइव टाइम ही बुनना है, एक
दो तीन, फिर बल लेंगे, फिर देखिए इसके अंदर हम बुनेंगे एक दो तीन, फिर बल लेंगे, फिर इसके अंदर हम बुनेंगे एक दो तीन, फिर बल लेंगे, फिर इसके अंदर बुनेंगे एक दो तीन, फिर बल लेंगे, फिर इसके अंदर बुनेंगे एक दो तीन, और फिर देखिए यहाँ से इसको हम जॉइंट कर देंगे, दो चार पाँच हो गए इस तरह से, देखिए इस तरह, फिर ये दो तीन, तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने ये तीन बना लिए हैं, तो इस तरह से देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बनाने हैं, तो मैं इसे पूरा कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ आपने तीन चैन बुननी है, देखिए एक बुन ली, दो और ये तीन, तीन चैन बुनेंगे, तीन चैन बुनेंगे, और तीन चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो स्टार्ट करा था यहाँ से फ्रेंड्स आपने इसको ज्वाइंट करना है इस तरह से। इस तरह से हमने इसे ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसमें फ्रेंड्स अपना थर्ड कलर कॉमन यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारा फ्लावर तैयार हो गया है। अब हमने इसके देखिए कॉर्नर बनाने, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर आपने देखिए क्या करना है, ग्रीन कलर का ऊन लेना है और देखिए चार चैन बुननी है, एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे, और चार चैन बुनने के बाद आपने एक और दो, दो बल लेने हैं, और इसके अंदर इस तरह से देखिए इस तरह से ये हो गया। फिर एक और दो, दो चैन बुनेंगे, और देखिए यहाँ सिंगल क्रोशे से यहाँ पे जॉइंट करेंगे, फिर देखिए एक और दो, दो चैन बुनेंगे, फिर दोबारा इसी में बुनेंगे, फिर देखिए एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे, दो बल लेंगे, और अब आपने यहाँ इस तरह से फिर देखिए इस तरह देखिए यहाँ से आपने देखिए दो बार बुनना है, एक और दो, फिर बल लेंगे दो, फिर आपने एक और दो, दो बार बुनना है, फिर इन सब फंदों को एक साथ बुनना है, फिर देखिए एक और दो, हमारा फ्लावर तैयार हो गया है, आठ आठ पत्तियों वाला। देखिए ये पॉपकॉर्न से बन गए हैं इधर, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें ग्रीन कलर लगाना है, और देखिए यहाँ से आपने एक दो तीन, तीन चैन बुननी है, तीन चैन बुनने के बाद आपने फ्रेंड्स फिर से डबल क्रोशे से बुनना है, एक और फिर इन तीनों को एक साथ बुनना है, फिर देखिए एक और दो, दो चैन बुनेंगे, फिर से सिंगल क्रोशे से बुनेंगे, फिर आपने एक दो चैन बुननी है, फिर आपने इसी के अंदर एक बार और सिंगल क्रोशे से बुनना है, फिर देखिए एक और दो, दो चैन बुनेंगे, और देखिए फ्रेंड्स दो चैन बुनने के बाद एक बल लेंगे, और यहाँ देखिए एक दो तीन, और फिर आपने इन सबको एक साथ बुन देना है, फिर देखिए एक और दो, दो चैन बुनेंगे, फिर से दोबारा से इसके अंदर एक दो तीन, और फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे, फिर एक और दो, फिर इसमें देखिए सिंगल क्रोशे से एक बार, फिर एक दो, दो चैन बुन ली है, फिर दोबारा से इसी के अंदर हमने सिंगल क्रोशे से बुनना है, फिर एक और दो, फिर एक बल लेना है, और यहाँ एक दो तीन, और इन सबको एक साथ बुन देंगे, एक
और दो। फिर देखिए इसी के अंदर दोबारा बुनेंगे, एक दो तीन, और इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से कोना बन जाएगा। तो मैं इसे कंप्लीट कर आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। वैसे ये हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम बिल्कुल लास्ट पर आ गए। तो देखिए आपने यहाँ दो चैन बुननी है और उसके बाद आपने इसको यहाँ से ज्वाइंट कर देना है इस तरह से फ्रेंड्स। अब हमने फिर कॉर्नर से ही बुनना है। तो देखिए आपने यहाँ से इस तरह से आपने पहले तीन चैन बुननी है, एक दो तीन, एक बल लेंगे और देखिए इसके अंदर डबल क्रोशे से बुनेंगे, ये दो हो गए चैन लेके और ये तीन हो गए। फिर आपने देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसके बाद आपने यहाँ बुनना है, यहाँ बुनेंगे एक दो तीन, फिर आपने देखिए यहाँ बुनना है एक। देखिए फ्रेंड्स अब आपने फिर से यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशे से तीन बार बुनना है। फिर देखिए यहाँ बुनेंगे तीन बार, फिर देखिए यहाँ तीन बार बुनेंगे, फिर आपने एक और दो, दो चैन बुननी है, फिर दोबारा से हमने यहाँ बुनना है। फिर देखिए यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे, एक दो, देखिए फिर यहाँ बुनेंगे एक दो तीन, फिर यहाँ एक दो तीन, फिर देखिए एक दो तीन, फिर एक दो, फिर आपने डबल क्रोशे से एक, फिर इसके बाद दो, फिर इसके बाद ये तीन। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए हमारा, देखिए इस तरह से देखिए कोना तैयार हो गया। ये देखिए और फ्रेंड इसे कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। वहाँ से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे देखिए फ्रेंड्स ज्वाइंट करेंगे, दो चैन बुनने के बाद यहाँ से इसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर देखिए आपने क्या करना है, आपने एक बार इस तरह बुनना है, फिर आपने देखिए यहाँ इस तरह आपने यहाँ लाना है, फिर आपने देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुननी है, फिर आपने इसके अंदर डबल क्रोशे से तीन बार बुनना है इस तरह से। फिर देखिए यहाँ, यहाँ आपने तीन बार बुनना है, एक दो तीन, फिर देखिए यहाँ बुनेंगे एक दो तीन, फिर यहाँ एक दो तीन, और फिर एक बन लेंगे और देखिए यहाँ आपने कोना बनाना है, एक दो
तीन, एक दो, फिर आपने दोबारा से इसमें बुनना है, एक दो तीन। देखिए फ्रेंड इस तरह से, देखिए अब हम यहाँ एक 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 करके बुनेंगे और यहाँ कोना बनाएंगे। देखिए जैसे ये बना हुआ है इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स हम इस तरह से ये सारा कंप्लीट कर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए हमने इसे कंप्लीट कर लिया है और देखिए अब हमारे दो बन चुके हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हमने देखिए इस तरह से इसे रखना है और इससे रखने के बाद आपने देखिए इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए इसकी सिलाई कैसे करेंगे, इस तरह से रखेंगे, इस तरह देखिए दोनों तरफ आपने सीधे रखने हैं, इधर भी सीधा है और इधर भी सीधा है। अब देखिए यहाँ से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, आपने देखिए यहाँ से आपने किस तरह करना है, यहाँ से आपने इस तरह बुनना है और बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए क्या करना है, आपने देखिए इसमें आपने हर चैन से चैन को मिला करके इसको इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया से बुनना है। इस तरह देखिए फिर आपने ये चैन लेनी है, इस चैन से इस तरह, फिर देखिए बस आपने हर चैन में से इस तरह से इसकी सिलाई करनी है। इस तरह तो देखिए यहां तक बुनकर मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशिया देखिए इसे इस तरह से सी लिया है। अब देखिए फ्रेंड जब हम कॉर्नर पर आएंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ कॉर्नर पे आपने इसके अंदर देखिए आपने एक दो तीन बार बुनना है इस तरह से। फिर अब आपने देखिए फिर से आपने हर चैन में इस तरह बुनना है, ये देखिए चैन से चैन मिला करके सिंगल क्रोशे से बुनते जाइए, ये देखिए इस तरह। तो फ्रेंड्स देखिए ये एक तरफ का सिल गया है, हम इस तरह से और यहाँ तक ये तीनों तरफ का सीकर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमने तीनों तरफ से सिलाई कर ली है और यहाँ तीन बार बुना है, यहाँ भी तीन बार ही सिंगल क्रोशे से बुना है। देखिए अब यहाँ से हमने अलग अलग करके बुनना है, फिर देखिए एक दो तीन और देखिए इसमें फिर आपने डबल क्रोशिया से, इस तरह फिर देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए हम इसको पूरा गोलाई में बुनकर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। यहां से देखिए मैंने इस तरह से देखिए दोनों तरफ से पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करा था, बुनते हुए हमने पूरा राउंड कर लिया है। अब हम देखिए इसे यहाँ जॉइंट करेंगे, तो देखिए यहाँ से
आपने इसको यहाँ जॉइंट करना है इस तरह। ये देखिए हमने जॉइंट कर दिया है। अब हम देखिए यहाँ यहाँ से इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। फिर आपने देखिए एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे, एक बार लेंगे और यहाँ देखिए इस तरह से। फिर आपने देखिए यहाँ से एक चैन बुननी है और यहाँ देखिए इस तरह से। फिर देखिए यहाँ इस तरह से बनाते जाएंगे। देखिए फिर यहाँ एक चैन बुनेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए हम वी वी बनाते जाएंगे पूरे राउंड करके। हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने देखिए गोलाई से बुन लिया है। देखिए हमने और उसमें देखिए ये वी वी बना लिए हैं हर खाने में। अब आपने क्या करना है देखिए हर जाली में हमने बना लिया है। अब हम इसको यहाँ से देखिए इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। और फ्रेंड्स आपने यहाँ से देखिए अलग कलर लगाना है। यहाँ से आप अपना कलर लगा लीजिए इस तरह। अब फिर आपने देखिए क्या करना है एक दो तीन चार, एक बल लेंगे और बल लेने के बाद देखिए यहाँ इसके अंदर आपने इस तरह से वी बनाना है। फिर देखिए एक बल लेंगे और अब आपने देखिए यहाँ यहाँ आपने वी बनाना है। फिर एक चैन बुनेंगे इसके अंदर वी बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ एक चैन बुनेंगे और यहाँ इसके अंदर वी बनाएंगे। फिर यहाँ बुनेंगे एक चैन और यहाँ बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ जाली में इस जाली में इस जाली में इस तरह से हम पूरा कंप्लीट करके यहाँ तक आकर बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए हमने इसे गोलाई से पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए हर जाली में हमने वी बना लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम इसे जॉइंट करेंगे यहाँ से। देखिए हमने जॉइंट कर दिया है। अब देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे। फिर इसके बाद देखिए एक दो तीन, तीन के बाद देखिए यहाँ से दो चैन स्किप करके आपने छोटा सा इस तरह से बनाना है। और देखिए ये एक छोड़ के यहाँ इस तरह से बनाना है। फिर देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और देखिए दो स्किप करके यहाँ पहले आपने छोटा सा पीकूट बनाना है इस तरह। और देखिए ये एक चैन छोड़ के दूसरी चैन पे आपने इस तरह से इसको इस तरह से देखिए। फिर आपने देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और दो चैन स्किप करके फर्स्ट वाली चैन से इस तरह से बनाएंगे। और देखिए एक चैन स्किप करके यहाँ इस तरह से आपने इसको बना देना है। फिर देखिए एक दो तीन और यहाँ इसको। फिर आपने देखिए ये स्किप करके देखिए ये स्किप करके यहाँ इस तरह से
फिर एक दो तीन और फर्स्ट चैन में से इस तरह से जॉइंट करेंगे। और देखिए एक चैन स्किप करके यहाँ आपने इस तरह से, तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं ये पूरा गोलाई से बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए मैंने ऊपर से भी इसकी फिनिशिंग कर ली है और अब फ्रेंड्स देखिए मैंने एक डोरी बना ली है, बस मैंने चैन बुनी है और देखिए अब हम इसमें चैन डालेंगे। तो देखिए आपने किस तरह से डालना है, यहाँ से लेना है इस तरह, ये देखिए इस तरह, इस तरह से हम इसको देखिए खींच लेंगे तो ये हमारा इतना प्यारा सा एक पाउच तैयार हो जाएगा। ये देखिए और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।